जय जिनेन्द्र। मैं शिवांगी आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार इस प्रकार है। 39 सेक्टर SS जैन सभा चंडीगढ़ रोड पर श्री बलविंदर जैन, नवल जैन, श्री परना लाल मदन लाल, अनिल जैन दो परिवारों की तरफ से महामंत्र नवकार के पाठ का लाभ लिया गया। इस मौके भक्तों ने पाठ में सम्मिलित हो धर्म लाभ लिया। इस मौके पर विशेष अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। नवकार महामंत्र का अक्टूबर मास के पाठ का लाभ हमारे परम आदरणीय श्री बलविंदर जैन, नवल जैन परिवार और दूसरा परिवार श्री पन्नालाल मदनलाल, अनिल कुमार जैन, नितिका जैन, सेक्टर 32 परिवार, इस परिवार ने, दोनों परिवारों ने नवकार महामंत्र के इस मास के पाठ का लाभ लिया है। मैं समाज की तरफ से इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी भाई बहनों ने पाठ के अंदर पधार करके परिवार की शोभा को बढ़ाया, समाज की शोभा को बढ़ाया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। परिवार की तरफ से सभी के लिए गौतम प्रसादी की व्यवस्था बार की गई है। लुधियाना से बलविंदर की रिपोर्ट। तेरा पंत भवन में मुनि श्री हिमांशु कुमार जी के सानिध्य में हेल्थी रिलेशन एंड हैप्पी में पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन कन्या मंडल द्वारा किया गया। इस मौके भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कुछ ऐसी झलकियों की प्रस्तुति की गई जो ये दर्शा रहे थे कि कैसे किसी की भावनाओं को समझा जाए। भूल जाते हैं, इसे स्वस्थ संबंध हमारी समझ के साथ जुड़ा हुआ है और उस समझ को हम बनाए रखें और उस समझ को कैसे सुंदर तरीके से मोड़ पर ले जाए। पूज्य गुरुदेव की कृपा से चातुर्मास के दौरान चल रहे विविध कार्यक्रमों के अंतर्गत तेरा पंथ कन्या मंडल का एक सुंदर प्रयास, जिसमें कार्यशाला का विषय रखा गया हेल्दी रिलेशन एंड हैप्पी मी। आज के जिस जगत में हम रह रहे हैं, हम देखते हैं कि संबंध बड़े तंग होते जा रहे हैं। एक दूजे की बात को समझना, सुनना और उससे कुछ अच्छा निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, और इसी को लक्ष्य करके एक कार्यशाला का आयोजन तेरा पंथ कन्या मंडल द्वारा किया गया। और इस कार्यशाला में जितने भी संभागी व्यक्ति थे, उन्होंने एक ही बात कही कि हमारा लक्ष्य संबंधों को सुदृढ़ करना और संबंधों में एक मिठास घोलना है। तो इस संबंधों की दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति के लिए संदेश है कि संबंध स्वस्थ हो। लुधियाना से बलविंदर की रिपोर्ट। बीते रविवार कुरमंडी स्थित प्राचीन तालाब मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और आए हुए श्रद्धालुओं द्वारा स्वयं भजन गाकर भक्ति रस का आनंद लिया गया तथा उनके द्वारा देशभक्ति के गाने भी गाए गए। इस मौके पर आत्मा चैनल के MD श्री विनोद जैन जी द्वारा शादी की सालगिरह पर जोड़े को सम्मानित किया गया तथा आए हुए श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर की व्यवस्था भी बहुत अच्छे ढंग से की गई। Yeah.
लुधियाना से बलविंदर की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के प्रेरणा वृद्धाश्रम में उत्तर प्रदेश के मंत्री अतुल गर्ग पहुंचे और उन्होंने वृद्धों के साथ काफी समय बिताया। इस मौके पर वृद्धों से बातचीत की और विचार साझे किए। उन्होंने वृद्धों के साथ हंसी ठिठोली भी की। मंत्री अतुल गर्ग ने उन लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया जो पैसे के लालच में अपनी बहनों और माता पिता का सम्मान नहीं करते। उन्होंने प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला तथा अध्यक्ष रेणु खुंगार की सराहना करते हुए कहा कि यह लोग सौभाग्यशाली हैं जो बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं। बड़ी प्रेरणा मिल रही है कि समाज के अंदर वो लोग अभागे हैं जो लोग अपनी बहनों को, अपने परिवार को, अपने सम्मान को पैसों के लालच में देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर उनसे नाराज है और इनके ऊपर ईश्वर की कृपा है। ये जो गुप्ता जी हैं हमारे, सिंगला जी हैं और मैडम है, क्या नाम है उनका, रेणु जी, इन लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा है जो इन लोगों की सेवा का काम ईश्वर ने इन्हें दिया है। भगवान जो भी सबसे अच्छा काम होता है वो उनको देता है जो उसे सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो ये ईश्वर के नज़दीक हैं और वो लोग अभागे हैं। मंत्री, हमारा सौभाग्य है कि मंत्री जी हमारे बीच में आए हैं और हमारे यहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं उनका भी सौभाग्य है। उन्होंने इतने सद्भावनापूर्ण वातावरण में उनसे बात की कि देखा, आप देखेंगे उनके चेहरे सबके खिले हुए हैं। इनसे अगर कोई प्रेम से बात करता है, इनके दुख को समझने की कोशिश करता है तो ये लोग उसको दिल से बहुत दुआ देते हैं। और आप ये समझिए कि जो ऐसा काम करता है यहाँ के, वो उसके अंदर परमात्मा निवास करता है, हम ये मानते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आज वो मंडी में मुझे मिल गए। मैंने रिक्वेस्ट की, जैसे बात की, जैसे उनको पता लगा वृद्धाश्रम है यहाँ पे, तो वो कहने लगे मैं भी वृद्धाश्रम चलूँगा और आज हमारे बीच है। इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति मैं नहीं समझता, वैसे होंगे और भी, लेकिन मैंने जीवन में पहली बार देखा कि इतने सरल स्वभाव के हैं कि हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पर उन्होंने, बल्कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ही यहाँ पे आना स्वीकार किया और हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार की रिपोर्ट। द हेरिटेज पब्लिक हाई स्कूल में बीते दिन केरला समाज माओ हेल्थ केयर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में लोगों की अलग अलग बीमारियों का चेकअप करके फ्री दवाइयां भी दी गई। इस कैंप में स्कूल के आसपास के सभी गांव के लोगों ने अधिक से अधिक अपनी बीमारी का चेकअप करवाया। समय समय पर स्कूल के डायरेक्टर मैडम कंचुका सेठी और प्रिंसिपल निशा हांडा व समूह स्टाफ ने भी फ्री मेडिकल कैंप में अपना पूरा सहयोग दिया। And associate trustee of Thar Education Trust, Jagatpura. Thank Kerala Samajam Chandigarh and Mayo Super Speciality Hospital, Mohali, for organizing a free healthcare camp at the Heritage Public High School campus here in Jagatpura. This was for the underprivileged of the villages of Dharamgarh, Jagatpura, Nadiali, and Faida. इस फ्री मेडिकल कैंप से बहुत सारे बच्चों, लेडीज़ और बुज़ुर्गों को अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने का मौका मिला। इस तरह के कैंप्स ना सिर्फ बीमारियों को डायग्नोज करने में मदद करते हैं, बट दे आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड डिजीज प्रिवेंशन। चंडीगढ़ से निशांत सिंह की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के थानेसर सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। इस मौके लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कुरुक्षेत्र की थानेसर सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा के वर्तमान विधायक सुभाष सुधा तथा राज्य के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे अशोक अरोड़ा के बीच है। आपको बता दें कि थानेसर में 193,017 मतदाता मतदान कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में शहीद होने वाले जवानों तथा पुलिस अधिकारियों को याद किया गया तथा उन्हें शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर शहीद जवानों के परिवारों को भी सम्मानित किया गया। आज शहीदी दिवस पे हमने जो यहाँ पे है शहीदों को नमन किया है और हमें बड़ा दुख भी है और एक गर्व भी है कि उन्होंने अपनी शहादत दी और उस फ़र्ज को निभाया जो कि एक पुलिस ऑफिसर जब ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उस टाइम में उसकी शपथ लेता है। और आज उन सब शहीदों को याद किया गया और आज उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने जो है शहीदी दिवस मनाया। उनके परिवार वाले भी आए हुए थे जिनको। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार की रिपोर्ट। लुधियाना में पंजाब पुलिस की तरफ से शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। पुलिस कमेमोरेशन डे मना रहे हैं
ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੀਏ। ਲੁਧਿਆਣ ਸੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਂਬਰੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। नशा जहां नौजवानों को निगल रहा है, वहीं बेरोजगारी ने कई नशे के सौदागर भी पैदा कर दिए हैं। अभी बीते दिनों पायल विधानसभा हल्का के गांव किला हंस के एक 29 वर्षीय नौजवान को नशे के दानव ने निगल लिया। मृतक के परिजनों ने पास के गांव निवासियों पर नशा बेचने का आरोप लगाया था। मृतक के परिजनों के आरोपों के अनुसार जब हम गांव में असलियत जानने पहुंचे तो वहां मौजूद गांव के पूर्व सरपंच, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, और बाकी गांववासियों ने बताया कि यहां तो नशा शरेआम बिकता है। वहीं जब मीडिया के पहुँचने की भनक पुलिस को लगी तो गाँव खनगस से नशा बेचने वाले का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेरा नाम चमकौर सिंह है, साबका सरपंच। केड़ा पिंड पैंदा जी? पिंड खनगस। थाना केड़ा पासे? थाना पैल। ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਵਗੈਰਾ? ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ ਅਲਝ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਆ, ਬੂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਣਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ? ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਰੇ 90-99 ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੀਓ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਕਣਕਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। खन्ना से प्रभजोत भट्टी की रिपोर्ट। लुधियाना एसटीएफ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो हवलदारों समेत एक औरत को करीब 12 ग्राम हेरोइन तथा 10 ग्राम चरस समेत काबू करने का दावा किया है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए जांच अधिकारी एएसआई जगतार सिंह ने बताया कि कत्ल केस में बंद हवालाती जेल के अंदर सही फोन पर अपने घरवाली और दो पुलिस मुलाजिमों को नशा बेचने की हिदायतें देता था और पुलिस मुलाजिम भी वर्दी की आड़ में नशा बेचने का धंधा करते थे। तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड हासिल कर लिया गया है और गंभीरता से तहकीकात की जाएगी। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਅੰਜੂ ਭਾਰਤੀ, ਤਿੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਅੰਜੂ ਭਾਰਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਇੱਕ ਬੱਬੂ ਭਾਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਉਹ 302 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰ ਚਲਾਣ ਚਲਾਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਵਿਕਾਸ ਫਾਮਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ। PAU ਫੂਡ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਰਵੀਵਾਰ ਕੋ PAU ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਭਿਯਾਂਤ੍ਰਿਕ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਯ ਕੇ ਪਾਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਟਾਲੋ ਦੁਆਰਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਵਿਅੰਜਨੋ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਲੋਗੋ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀ ਵਹ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਵਿਅੰਜਨ ਕਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। My name is Firdaus. I am pursuing my PhD here in PAU Punjab Agricultural University. And today we are just participate and we are coming to see this food show. It was really nice and awesome, variety of food, variety of the industrial products. We just really enjoyed here, and there also a reasonable rate for all this stuff. And there are so many handicraft as well here. There are so many things. Dr. Palak. Haan ji. Bahut acha lag raha hai, kafi achhi collection hai yahan pe. बेसिकली सबसे ज़्यादा क्राउड्स ये ज्वेलरी वगैरह क्लोथ्स वगैरह यहाँ पे है। अच्छा लग रहा है काफ़ी। हाँ जी, हाँ जी। लुधियाना से बलविंदर की रिपोर्ट। बीते दिन लुधियाना के पवेलियन मॉल में थर्ड आई एस्ट्रो एंड रिसर्च सेंटर मनीष शाही की तरफ से एक इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को सर्टिफिकेट बांटे गए और प्री दिवाली सेलिब्रेट किया गया। मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में पहले से कुछ जानता था, बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई सही है या गलत है मैं इसका जजमेंट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैं थर्ड आई में आया और उनसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा, फिर फ्री क्लासेज ज्वाइन की, उसके बाद में जो मेरे को रिजल्ट मिला वो एक्सीलेंट है कि वाकई में एस्ट्रोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जो हर एक आदमी को अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी सीखना चाहिए और दूसरों के लिए भी जो हेल्पफुल होगी वो भी सीख करके उनको बताना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स का वेलकम करना चाहता हूँ और सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस फेस्टिवल सीज़न में उन्होंने ये फंक्शन अटेंड किया और बहुत ही अच्छा लगा। सभी एक पारिवारिक माहौल लगा और बहुत ही अच्छा लगा, वो सभी आए और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी। और मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जैसे एक बहुत ही बड़े विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें और लोगों के मन में जितनी भी मिसकंसेप्शन है इस चीज़ को लेकर उसे निकाल लें और इसे एकेडमिक वे में आगे बढ़ाएं और लोगों के मन में जितनी भी बुराइयां हैं या कई बार उनके मन में बहुत ही तर्क वितर्क आते हैं इस विषय को लेकर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत अच्छा विषय है। लुधियाना से सोनू की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं शिवांगी कल फिर हाजिर होंगी कुछ नए धार्मिक व सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप जुड़े रहें आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।